ये एक डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट या फिर DPR है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि यह काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे मंथ्स और ईयर, उसके जस्ट नीचे है हमारे वीक ऑफ्स। करेंटली मैंने वीक ऑफ सेलेक्ट किया है एज अ संडे, तो हमारा संडेज यहाँ हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सैटरडे, तो हमारे सैटरडेज हाईलाइट हो चुके हैं। अगर मैं सैटरडेज और संडेज दोनों डेज को सेलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं दोनों डेज को सेलेक्ट करूंगा और दोनों ही डेज मेरे हाईलाइटेड हो जाएंगे। अगर मैं कोई और वीकडे सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ मंडे, और यहाँ से कर सकता हूँ मैं नन, तो सिर्फ मेरे मंडेज हाईलाइटेड होंगे। अगर मैं मंडे और वेडनेसडे सेलेक्ट करता हूँ तो मंडेज और वेडनेसडेज मेरे हाईलाइट हो जाएंगे। दूसरी चीज जो मेरी हाईलाइट होने वाली है वो है मेरे हॉलीडेज। करेंटली जनवरी का मंथ है तो न्यू ईयर हाईलाइटेड है। जब मैं राइट साइड में आता हूँ तो यहाँ पर रिपब्लिक डे भी हाईलाइटेड है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फरवरी, तो फरवरी में कोई भी हॉलीडेज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नजर नहीं आ रहा है। फरवरी मंथ में 29th के बाद ब्लैंक नजर आ रहा है। आते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट से कोड्स होंगे, टारगेट होगा, एक्चुअल क्वांटिटी और उनका वेरियंस होगा, डेली टारगेट होगा, और जैसे ही हम कोई यहाँ पर फिगर इंसर्ट करेंगे डेली बेसिस पर, उस हिसाब से हमारा ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन शो करेगा। डेली प्रोडक्शन टारगेट भी डेली बेसिस पर चेंज होता रहेगा। 12 मंथ्स के लिए हमारे पास 12 शीट्स हैं, और एंड में है हमारा एनुअल, जहां पर साल भर का या फिर पूरे साल का रिकॉर्ड फीचर होगा या फिर शो होगा। हमारे पास एक ग्राफ भी है जहां पर हम टारगेट वर्सेस एक्चुअल देख सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की जरूरत होगी, और वो रखा है मैंने अपने सेटिंग शीट में। जिस डेटा की हमें जरूरत है वो है मंथ्स, ईयर्स, डेज, हॉलीडेज लिस्ट और प्रोडक्ट्स के नेम कोड्स के साथ। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है, शीट को हम रीनेम करते हैं। ये होगा हमारा सेटिंग्स। कॉलम ए को क्लोज लेते हैं, क्लिक करते हैं B2 पर, मंथ्स, ईयर्स, पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे, मंथ्स वाले कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेंगे, टाइप करेंगे जनवरी, एंटर, इसे हम दिसंबर तक ड्रैग कर देंगे। आते हैं ईयर्स में, 2024, एंटर, नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं। फिल सीरीज प्रेस करते हैं कंट्रोल ए या कमांड ए, और यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। हेडर्स के कलर को चेंज कर लेंगे हम, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। कॉपी करेंगे ईयर्स को कंट्रोल सी या कमांड सी, यहां पर पेस्ट करेंगे। ये होगा डेज, एंटर, टाइप करेंगे मंडे से MON, संडे तक इसे ड्रैग कर देंगे। मंडे के टॉप पर टाइप करेंगे नन, एंटर, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। कॉलम डी को क्लोज लेते हैं, कॉलम एफ को भी क्लोज लेंगे। कॉपी करते हैं हेडर को, यहां पर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेट्स, हॉलीडेज। कॉलम आई को क्लोज लेते हैं, कॉपी करते हैं इन दोनों को कंट्रोल सी या कमांड सी, यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये होगा कोड्स और ये होगा प्रोडक्ट्स। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं, मैं कोई जेनरिक सा प्रोडक्ट कोड ले लूंगा, एंटर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वन, एंटर। हॉलीडेज लिस्ट में अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लूंगा, कॉपी करते हैं इसे टॉप से कंट्रोल सी या कमांड सी, जाते हैं अपने ब्लैंक फॉर्मेट में और यहां पर इसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी। व्यू में जाते हैं, शो, यहां से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। कोड्स और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, बॉर्डर्स क्रिएट कर लेंगे। आएंगे मंथ्स में, मंथ्स को सेलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक, जाएंगे फॉर्मूलाज टैब में, यहां पर ऑप्शन नजर आता है डिफाइन नेम का, क्लिक करेंगे यहां। इस रेंज को एक नेम देना है, हम नेम दे देंगे मंथ्स और करेंगे ओके। अब हम सेलेक्ट करेंगे ईयर्स को टॉप से बॉटम तक, जाएंगे डिफाइन नेम में, नेम ऑटोमेटिकली ईयर्स नजर आ रहा है, इसको हम करेंगे ओके। अब हम जाएंगे डेज में, टॉप से सेलेक्ट करेंगे मींस नन से सेलेक्ट करेंगे संडे तक, डिफाइन नेम, ये हो जाएगा डेज, हम करेंगे ओके। इन दो डेटा का हम नेम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इस डेटा को हम टॉप से सेलेक्ट करने वाले हैं। न्यू शीट इंसर्ट करेंगे, ये होगा जनवरी। कॉलम ए को क्लोज लेंगे, रो नंबर 1 के साइज को इंक्रीज कर देंगे, क्लिक करेंगे B2 पर, D तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, नीचे ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं, कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ भी कलर इंसर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा ऑफ डेज, E और F को सेलेक्ट करते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं, कलर इंसर्ट कर देते हैं,
फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ऑफ डेज के नेक्स्ट वाले सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ कलर भी इंसर्ट कर देंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे, दोनों रोज को सेलेक्ट करेंगे और इनके साइज को इंक्रीज कर लेंगे, रो नंबर 3 के साइज को और ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे। क्लिक करते हैं B4 पर और B5 भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, एच तक ड्रैग कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ टाइप करते हैं टोटल नॉन वर्किंग डेज, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को रैप कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसे और सेंटर अलाइन कर लेंगे, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, रो साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं इसे, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, यहाँ भी कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे। ये होगा सीरियल नंबर, कोड्स, प्रोडक्ट नेम्स या फिर प्रोडक्ट्स, टारगेट क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, टारगेट वर्सेस अचीव्ड, ब्रैकेट, वेरिएंस या फिर वैरिएंस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, कॉलम साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं और ये होगा डेली प्रोडक्शन टारगेट, एंटर, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, सारे रोज को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे, परफेक्ट, सेलेक्ट करेंगे इन्हें, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ऑफ डेज के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स प्लस या इक्वल टू, यहाँ हम टाइप करेंगे मंथ्स और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ मंथ्स का ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं जनवरी, क्लिक करते हैं यहाँ, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू ईयर्स और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ ईयर्स का ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं 2024, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू डेज और करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ डेज का ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है, सेलेक्ट करते हैं नन, यहाँ भी सेलेक्ट कर लेते हैं नन, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और सेंटर अलाइन कर लेंगे, इसे सेलेक्टेड रहने देंगे, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और यहाँ हम टाइप करेंगे नन, क्लिक करेंगे ड्रॉपडाउन पर, कस्टमाइज्ड फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे ब्लू कलर, फॉन्ट भी हमारा सेम कलर का होगा जिस कलर का हमने सेल सेलेक्ट किया है और करेंगे ओके। ओके, तो जब यहाँ नन होगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम कोई वीकडे सेलेक्ट करेंगे वो हमारा विजिबल हो जाएगा रेड कलर में, परफेक्ट। सीरियल नंबर 1, एंटर, इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, फिल सीरीज 10 तक ही रखते हैं हम, कोड्स प्लस या इक्वल टू, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और जो हमारा फर्स्ट कोड है प्रोडक्ट का उस पर क्लिक करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर, नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स, कॉलम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे वी लुकअप और हमारा फंक्शन या फिर फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कोड्स होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल आरे, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और सेलेक्ट करेंगे टॉप से कोड्स और प्रोडक्ट्स को, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया था कोड से, तो कोड्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और प्रोडक्ट्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फॉर्मूला बार के बिगिनिंग में आएंगे और यहाँ इफ एरर या फिर इफ एनए का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट का नाम आ चुका है, इसे नीचे तक हम ड्रैग कर लेते हैं, प्रेस करते हैं कंट्रोल ए या कमांड ए और यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। टारगेट क्वांटिटी, टारगेट क्वांटिटी में हम कुछ रैंडम से फिगर्स ले लेंगे और रैंडम फिगर्स के लिए मैं यूज करूंगा रैंड बिटवीन प्लस या इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन, बॉटम फिगर मैं ले लूंगा 500, कॉमा, टॉप फिगर मैं ले लूंगा 5000, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर रैंडम सा फिगर आ चुका है, इसे हम सेंटर अलाइन करते हैं, नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं, इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर एज अ वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, तो हमारा रैंड बिटवीन का फंक्शन या फिर फॉर्मूला यहाँ से रिमूव हो चुका है। एक्चुअल क्वांटिटी टारगेट वर्सेज अचीव्ड और डेली प्रोडक्शन टारगेट हमारा फॉर्मुलेटेड होगा और इसका फॉर्मूला हम बाद में इंसर्ट करेंगे, क्लिक करते हैं आई पर, नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट करेंगे,
इसे आपस में मर्ज कर लेंगे। जाएंगे ओरिएंटेशन में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, या फिर हम इसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे। यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। यह हो जाएगा हॉलीडेज, एंटर। इसे ड्रैग कर लेते हैं, टेक्स्ट को रिमूव करते हैं। यह हो जाएगा ओवर या फिर अंडर प्रोडक्शन, ओवर स्लैश अंडर प्रोडक्शन, एंटर। कॉलम साइज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, प्रोडक्शन का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसे ठीक कर लेते हैं, एंटर। टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे। हॉलीडेज के जस्ट बाद क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेल को भी सेलेक्ट करेंगे। इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे भी मर्ज कर लेंगे। ओवर या फिर अंडर प्रोडक्शन के जस्ट बाद क्लिक करते हैं और यहाँ हम अपने डेट्स का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट डेट का फॉर्मूला बाकी के डेट्स के फॉर्मूला से एकदम अलग होगा और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा वन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड क्लिक करेंगे मंथ पर एंड क्लिक करेंगे ईयर पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे सेंटर अलाइन करते हैं, कुछ रैंडम सा फिगर नजर आ रहा है, क्लिक करते हैं यहाँ, कुछ सेल्स एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे कंट्रोल वन, फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन होगा, जाएंगे डेट में और यहाँ से एक डिजायर्ड डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और हम करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ फर्स्ट जैन नजर आ रहा है, फर्स्ट जैन के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे और डे का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू, सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट को, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा डी 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 मीन्स डी तीन बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मंडे नजर आ रहा है, इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, इसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ। सैटरडे नजर आ रहा है, जब हम यहाँ पर डेट इंसर्ट कर देंगे सेकंड का डेट, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ट्यूजडे में कन्वर्ट हो जाएगा। आते हैं राइट साइड की तरफ, अब हम यहाँ सेकंड डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 दो बार, इज स्मॉलर देन EO मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ, फिर से सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट को, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर से क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्लस वन, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। सेकंड डेट आ चुका है, इसे हम सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब हम दोनों कॉलम्स को टॉप से सेलेक्ट करेंगे और साइज को एडजस्ट कर लेंगे। डेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम हॉलीडेज का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, फर्स्ट डेट होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल आर ए, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हॉलीडेज लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे हम टॉप से, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा रेंज लॉक हो जाएगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था डेट से, तो डेट्स होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम होगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो हम यहाँ टाइप करेंगे 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फॉर्मूला बार के बिगिनिंग में आएंगे और यहाँ पर इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे, एंड में आएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर न्यू ईयर आ चुका है, जाएंगे अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन और इसे हम कर देंगे रोटेट टेक्स्ट अप, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इक्वल टू पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल वैल्यू इक्वल टू नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे नॉट इक्वल टू और यहाँ इंसर्ट कर देंगे हम ब्लैंक, ब्लैंक के लिए हम इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट फिल, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं येलो कलर, आप जो भी कलर चाहें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर मैं रखूंगा ब्लैक और हम करेंगे ओके। ओके तो हमारा यहाँ न्यू ईयर हाईलाइट हो चुका है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट हॉलीडे है वो हाईलाइट हो चुका है। अगर यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं होगा तो हमारा हाईलाइट नजर नहीं आएगा, इसे हम अंडू करते हैं कंट्रोल जेड या कमांड जेड, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे और हॉलीडे से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, 31st तक इसे हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा 31st तक हो चुका है, क्लिक करते हैं फर्स्ट हॉलीडे पर और इसे भी हम एंड तक ड्रैग कर देंगे। 26th को रिपब्लिक डे है मीन्स सेकंड हॉलीडे है, तो ये हाईलाइटेड हो चुका है और नाम भी नजर आ रहा है, सेलेक्ट करते हैं 31st से लेके 1st तक, कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे हॉलीडेज पर
और एंड तक इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कोई लाइट सा शेड इंसर्ट कर देंगे, बॉर्डर्स को रिमूव करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे। जब भी हमारा मंथ चेंज होगा और कोई हॉलीडेज नहीं होगा तो हाईलाइट नज़र नहीं आएगा। टोटल नॉन वर्किंग डेज कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा टोटल वर्किंग डेज, एंटर। फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। क्लिक करते हैं फर्स्ट डे पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की कॉमा, आएंगे लेफ्ट में और क्लिक करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जहां से हम मैनेज करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे वीक ऑफ्स होंगे वो हमारे नॉन वर्किंग डेज हो जाएंगे और जो हमारे हॉलीडेज होंगे वो भी हमारे नॉन वर्किंग डेज हो जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करते हैं प्लस काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से क्लिक करेंगे फर्स्ट डे पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की कॉमा, आएंगे लेफ्ट में और क्लिक करेंगे सेकंड हॉलीडे पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे प्लस। तो हमने अपने वीक ऑफ्स को काउंट कर लिया, अब हम काउंट करेंगे अपने हॉलीडेज को। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट के जस्ट ऊपर जहां से हम अपने हॉलीडेज को सेलेक्ट करने वाले हैं, एंड तक सेलेक्ट करते हैं इसे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क स्टार डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं लेफ्ट में, तो पूरे मंथ में 4 सैटरडेज और 4 संडेज हैं तो यहाँ पर 8 नज़र आ रहा है। कोई भी हॉलीडेज नहीं है इसलिए हॉलीडेज यहाँ ऐड नहीं हुआ है। जब मैं मंथ चेंज करूँगा जनवरी, तो ये देखिए टोटल नॉन वर्किंग डेज हो चुका है 10। टोटल वर्किंग डेज, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करते हैं फर्स्ट डे पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क स्टार डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं लेफ्ट में, तो टोटल वर्किंग डेज में शो कर रहा है 31 हो गया हमारे मंथ्स के डेज, तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा या फिर माइनस करना होगा टोटल नॉन वर्किंग डेज। जाएंगे फॉर्मूला बार में, माइनस टोटल नॉन वर्किंग डेज, एंटर। तो टोटल नॉन वर्किंग डेज हो चुका है हमारा 21। आते हैं लेफ्ट में, अगर हम सिर्फ एक ही वीक ऑफ यहाँ पर रखते हैं जो कि होगा संडे और इसे हम कर देते हैं नन, तो ये देखिए टोटल नॉन वर्किंग डेज हो चुका है हमारा 6 और टोटल वर्किंग डेज हो चुका है हमारा 25। फिलहाल हम इसे सैटरडे और संडे रख लेते हैं। जाएंगे व्यू में शो और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। अब हम आएंगे राइट साइड में, क्लिक करेंगे फर्स्ट डे के जस्ट नीचे और इसे नीचे तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लासिक ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप नज़र आएगा जो कि है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इसे नीचे लेते हैं, क्लिक करेंगे फर्स्ट हॉलीडे पर, इज नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम इंसर्ट करेंगे स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन, यहाँ से हम फर्स्ट डॉलर को रिमूव करेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, इसे ऊपर लेते हैं, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट फिल, सेलेक्ट करेंगे येलो कलर, फॉन्ट ले लेंगे ब्लैक। आप जो भी कलर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं और हम करेंगे ओके। तो हमारा यहाँ न्यू ईयर का पूरा कॉलम हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं मंथ चेंज करता हूँ यहाँ से, करता हूँ फेब्रुअरी, तो ये देखिए हाईलाइट हमारा रिमूव हो चुका है। मैं इसे वापस से जनवरी कर लेता हूँ। आते हैं राइट में, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करेंगे क्लासिक, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इसे लेते हैं ऊपर, क्लिक करेंगे फर्स्ट डे पर, फर्स्ट डॉलर को यहाँ से रिमूव करते हैं, इज इक्वल टू, आते हैं लेफ्ट में, क्लिक करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ पर, इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस, फिर से हम क्लिक करेंगे फर्स्ट डे पर, इसे भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, फर्स्ट डॉलर को यहाँ से रिमूव करेंगे, इज इक्वल टू, क्लिक करेंगे सेकंड वीक ऑफ पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट फिल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेड कलर और फॉन्ट को कर देंगे हम वाइट और करेंगे ओके। तो हमारे सैटरडेज और संडेज हाईलाइट नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने सिंगल कॉलम में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ किया। अब मैं इसे एंड तक ड्रैग कर दूंगा।
तो ये देखिए हमारे सैटरडेज और संडेज यहाँ पर हाईलाइटेड हो चुके हैं। आते हैं लेफ्ट में, डेट्स और डेज को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और यहाँ पर कोई शेड इंसर्ट कर देंगे। हमारा डेली प्रोडक्शन जो भी होगा उसकी एंट्री हमें यहाँ करनी है, तो हम यहाँ कुछ रैंडम सा फिगर्स इंसर्ट कर लेंगे। नीचे तक ड्रैग करते हैं, फिल सीरीज, इसे यहाँ भी हम ड्रैग कर लेते हैं। फर्स्ट डेट पर क्लिक करेंगे और इसे नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और सभी चीज़ों को हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। परफेक्ट। आते हैं लेफ्ट में, अब हम यहाँ अपने फॉर्मूलाज इंसर्ट करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी होगा हमारा जो भी प्रोडक्शन डेली बेसिस पर होगा उनका टोटल होगा एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट के जस्ट नीचे और एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। आते हैं लेफ्ट में, एक्चुअल क्वांटिटी में कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक बार हम फॉन्ट के कलर को चेक कर लेते हैं, ब्लैक। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गया हमारा 40, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। नीचे तक ड्रैग करते हैं, टारगेट वर्सेस अचीव्ड, फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस टारगेट क्वांटिटी। अगर आप टारगेट क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। नीचे तक ड्रैग करते हैं, इसे सेलेक्टेड रहने देंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन होगा, जाएंगे नंबर में, डेसिमल प्लेसेस 0 कर लेंगे और ये वाला नंबर फॉर्मेट हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ की निगेटिव नंबर्स जो हैं वो रेड में नजर आए और ब्रैकेट में ऑटोमेटिकली हो जाए, वो करेंगे ओके। डेली प्रोडक्शन टारगेट, फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे टारगेट क्वांटिटी पर डिवाइडेड बाई टोटल वर्किंग डेज, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 या फिर F4 और हमारा सेल लॉक हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ओवर प्रोडक्शन या फिर अंडर प्रोडक्शन, यहाँ हम इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू इफ, यहाँ हम इफ की जगह इफ्स यूज कर लेंगे क्योंकि अगर हमने इफ यूज किया तो नेस्टेड इफ यूज करना होगा और अगर हमने इफ्स यूज किया तो सिंगल इफ्स हमें यूज करना होगा। तो सेलेक्ट करेंगे इफ्स, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे टारगेट वर्सेस अचीव्ड का जो क्वांटिटी है उसको, स्मॉलर देन 0, जब ये 0 से कम हो तो हमें नजर आना चाहिए अंडर प्रोडक्शन, तो हम लगाएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, टाइप करेंगे अंडर, स्पेस देंगे और यहां पर हम डाउन एरो की इंसर्ट करेंगे, डाउन एरो की सेलेक्ट करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी क्लोज करेंगे, कॉमा। तो ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट 1। लॉजिकल टेस्ट 2, फिर से हम क्लिक करेंगे टारगेट वर्सेस अचीव्ड पर, फर्स्ट जो हमने क्राइटेरिया लिया था उसमें लिया था स्मॉलर देन 0, इस बार हम लेंगे ग्रेटर देन 0, कॉमा, जब ग्रेटर देन 0 हो तो वो हो जाए ओवर प्रोडक्शन, तो हम यहाँ टाइप करेंगे या फिर इंसर्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर, स्पेस देंगे, यहाँ पर हम अप एरो की इंसर्ट करेंगे, इसे क्लोज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी क्लोज करते हैं, कॉमा। थर्ड क्राइटेरिया ऑन टारगेट, फिर से हम क्लिक करेंगे टारगेट वर्सेस अचीव्ड पर, इस बार हम देंगे इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन टारगेट, स्पेस देंगे, फिर से यहाँ हम एरो इंसर्ट करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा अंडर आ चुका है, इसे हम नीचे ड्रैग नहीं करेंगे, नीचे ड्रैग करने से पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर यूज कर लेंगे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ से हम कॉपी करेंगे अंडर और जो एरो है, कॉपी करते हैं इसे कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और यहाँ जो हमने अभी कॉपी किया उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। तो हमने कॉपी किया था अंडर और डाउन एरो की, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे रेड कलर और फॉन्ट हो जाएगा हमारा वाइट, करेंगे ओके। ओके, तो अंडर हमारा रेड में हाईलाइट हो चुका है, इस बार हम कॉपी करते हैं ओवर और अप एरो की कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू और इसे पेस्ट कर देंगे, मींस ओवर और अप एरो की को पेस्ट कर देंगे, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे येलो कलर, फॉन्ट, फॉन्ट हो जाएगा हमारा ब्लैक, करेंगे ओके। ओके, एक कंडीशन और बाकी है ऑन टारगेट का, फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, लेकिन उससे पहले हम ऑन टारगेट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल सी या कमांड सी,
जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे ऑन टारगेट एरो की के साथ। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, फॉन्ट होगा हमारा व्हाइट, और हम करेंगे ओके। ओके, अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। सभी जगह अंडर नजर आ रहा है क्योंकि हमने अपना डेटा अभी फिलअप नहीं किया है। मैं यहाँ कुछ फिगर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ जीरो नजर आ रहा है और यहाँ पर ऑन टारगेट हो चुका है। यहाँ पर ओवर नजर आ रहा है, यानी कि हमारे कंडीशंस और हमारे फॉर्मूलाज प्रॉपरली काम कर रहे हैं। हमारा वन मंथ का फॉर्मेट रेडी है। यहाँ से हम फिगर्स को डिलीट कर लेते हैं, टारगेट क्वांटिटी को भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। जब हमारा टारगेट क्वांटिटी जीरो हुआ तो अंडर या फिर प्रोडक्शन में ऑन टारगेट दिखा रहा है। क्लिक करते हैं फर्स्ट सेल पर, जाते हैं फॉर्मूला बार में और यहाँ पर इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे। इफ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे टारगेट क्वांटिटी पर इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो हो तो हमें रिटर्न में चाहिए ब्लैंक, तो इंसर्ट करेंगे कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है, इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अगर कोई फिगर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हेड्स नजर आ रहे हैं, तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं। अब हम इसका 12 कॉपीज क्रिएट करेंगे 12 मंथ्स के लिए, और एक कॉपी क्रिएट करेंगे एनुअल के लिए। मंथ के नेम पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो हमारा कॉपी क्रिएट हो चुका है, ये हो जाएगा फरवरी। टॉप पर आएंगे, मंथ के नेम को चेंज कर लेंगे फरवरी। कॉपी क्रिएट करने का सेकंड तरीका है, आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट और जो शीट का नेम है उसको ड्रैग करके प्लस के साइन पर ड्रॉप करना होगा। तो कॉपी क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से हम सारे मंथ्स के लिए कॉपीज क्रिएट कर लेंगे और एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे हम एनुअल के लिए। आते हैं लेफ्ट में, ये जनवरी का शीट है, ये फरवरी, ये हो जाएगा मार्च। टॉप से नेम को चेंज कर लेंगे मार्च। इसी तरीके से हम दिसंबर तक सारे चेंजेस कर लेंगे। सारे मंथ्स के शीट रीनेम हो चुके हैं। आपको टॉप पर कहीं कहीं हैश एरर नजर आएगा। बेसिकली ये एरर नहीं होता है, जब भी आपका सेल साइज कम होता है तो ये एरर नजर आता है। तो आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट से लेके एंड तक, टॉप पर आप डबल क्लिक कर दें और आपका सेल साइज एडजस्ट हो जाएगा और आपके एरर्स गायब हो जाएंगे। तो जिन मंथ्स में भी ये इशू आपको आ रहा है वहां पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एनुअल शीट में। यहाँ पर हमें डेट्स की जरूरत नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट, टारगेट क्वांटिटी से लेके ओवर अंडर प्रोडक्शन तक हम डिलीट कर देंगे। डिलीट टोटल नॉन वर्किंग डेज और टोटल वर्किंग डेज के फॉर्मूलाज को भी हम डिलीट करेंगे। मंथ्स, ऑफ डेज, ईयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन। द सिलेक्शन कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ वैलिडेशन, इरेज करेंट सेटिंग्स एंड कंटिन्यू, हम करेंगे ओके। क्लियर ऑल, ओके। इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं, जाएंगे होम में और इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, इसे भी मर्ज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एनुअल और ये हो जाएगा ईयर मींस 2024। एंटर, दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। टारगेट क्वांटिटी फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, जाएंगे जनवरी के शीट में और टारगेट क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट और दिसंबर के शीट पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जीरो आ चुका है, नीचे तक ड्रैग करते हैं और डेली प्रोडक्शन टारगेट तक इसे हम ड्रैग कर देते हैं। ओवर या फिर अंडर प्रोडक्शन, जाएंगे दिसंबर के शीट में, इसे कॉपी करेंगे हम कंट्रोल सी या कमांड सी, जाएंगे एनुअल शीट में और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी या कमांड वी, नीचे तक इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अभी जीरो है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही हम कोई फिगर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, एंटर, यहाँ भी फिगर इंसर्ट करते हैं, एंटर, जाते हैं एनुअल शीट में, तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी प्रॉपरली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर माइनस नज़र आ रहा है, सेलेक्ट करते हैं इसे, प्रेस करते हैं कंट्रोल वन, जाएंगे नंबर में, डेसिमल प्लेस से जीरो कर लेंगे, नंबर फॉर्मेट चेंज करेंगे, करेंगे ओके। डेली प्रोडक्शन टारगेट में डेसिमल्स नज़र आ रहे हैं, सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक और डेसिमल प्लेसेस को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। परफेक्ट, हमारा एक चीज़ बच गया है और वो है हमारा ग्राफ। तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट्स, टारगेट क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी को, जाएंगे इंसर्ट में, सेंटर में ग्राफ्स का ऑप्शन नज़र आता है, रिकमेंडेड चार्ट्स भी हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करता हूँ इसे, ग्राफ हमारा इंसर्ट हो चुका है, इसे हम कट करते हैं कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स, एक न्यू शीट इंसर्ट करेंगे।
इसको नाम दे देंगे ग्राफ, और हमने ग्राफ को जो कट किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे, इसके कलर को हम चेंज कर लेंगे, जाएंगे चार्ट डिज़ाइन में और जो भी डिजायर्ड कलर है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जाएंगे क्विक लेआउट में और जो भी लेआउट हम चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बीच में ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं उन पर क्लिक करेंगे, इसे डिलीट करेंगे। चार्ट टाइटल आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। होम में जाऊंगा, इसके साइज को इंक्रीज कर लूंगा, यह हो जाएगा टारगेट वर्सेस एक्चुअल। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसे नीचे ले लेते हैं। एक्सिस टाइटल डिलीट करते हैं, इन फिगर्स को भी यहाँ से डिलीट करते हैं। परफेक्ट। तो जैसे जैसे आप अपने मंथ्स में फिगर्स अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बार चार्ट भी अपडेट होता रहेगा। तो हमारा ये फॉर्मेट रेडी है, मैं फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड ऑप्शन सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।